हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दो मूवीज का एक ही वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक तमिल मूवी की, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियोस पर ही रिलीज हुई, जिसका ओवरऑल लेंथ है 2 आवर 47 मिनट की, और ये फिलहाल तमिल में है। ये हिंदी में अभी तक आई नहीं, बहुत जल्द हिंदी में आ जाएगी, लेकिन जब तक मैं देख रहा तब तक तो नहीं थी। खैर, मूवी को डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराय थे, जिसकी पिछली मूवी थी जगम में तंदीराम, जिसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, हालांकि उसमें धनुष थे फिर भी। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में है विक्रम सर और उनके बेटे ध्रुव विक्रम, और हाँ, बॉबी सिम्हा भी। खैर, मूवी की कहानी 2016 में स्टार्ट होती है, लेकिन ये पीछे जाती है, यानी कि 1968 में, जहाँ पर हमें एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली देखने मिलती है, जिस फैमिली में रहते हैं गांधी महान। इनके फादर चाहते हैं कि गांधी महान भी आगे चल के महात्मा गांधी जी के पथ पर चले, यानी कि गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स, जो मॉरल्स थे, बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करे गांधी महान भी। लेकिन गांधी महान को बचपन से ऐसा लगता था कि उनको लाइफ एक ही बार मिली है, और लाइफ में वो सारी चीजें करे जिसे करने के बाद पर्सनली दिल को सुकून मिले या खुशी मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। खैर, अब काफ़ी साल बीत जाते हैं और गांधी महान की हो जाती है शादी। शादी के बाद इनका एक बेटा भी होता है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये अपनी बोरिंग सी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक दिन ही सही वो अपने दिल का करें। लेकिन अब वो अपने दिल का क्या करते हैं, फिर उसके बाद इनकी लाइफ किस तरह से घूम जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोग बहुत सारी मूवीज देखते हो, तो इस पर्टिकुलर मूवी की जो कहानी है उसमें नयापन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल इसमें हमें नजर आते हैं विक्रम सर, जो कि अपने हर एक मूवी में ऑडियंस को कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं। और विक्रम सर ने यहाँ पर भी अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस को पूरी की पूरी मूवी देखने पर मजबूर भी करेंगे। बट इसमें जो कहानी है, वो जो एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, यानी कि एक फादर और एक सन आपस में आमने सामने जो भिड़ रहे हैं, तो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना इन दोनों के बीच में, कि मतलब एट द एंड ऑडियंस को लगे यार कि मतलब अब होगा क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बाप और बेटा आमने सामने है, बाप अपने बेटे को थोड़ी ना मार सकता है, या बेटा अपने बाप को नहीं मार सकता, यानी कि अगर आजकल के जो हरामी बेटे उनको अगर साइड में कर दे, तो जो एक अच्छी औलाद होती है वो अपने बाप को तो कभी नहीं मारेगी। तो ये सारी चीज़ हमको तब पता चलेगी जब हमें वो इमोशनल अटैचमेंट इन दोनों के बीच में बताएगा, लेकिन वो चीज़ इस मूवी में बताई ही नहीं है, तो हमको कैसे वो फील होता ही नहीं। हालांकि विक्रम सर का जो कैरेक्टर है गांधी महान, वो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटा मैं क्या ही बोलूँ। तो यार, इस मूवी में वो एक जो फील होता है ना, वो फील मिसिंग था। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, काफ़ी कलर का यूज किया, और विक्रम सर को जिस स्वैग में यहाँ पर प्रेजेंट किया, मज़ा आ जाता देखने के लिए। एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, कुछ ओवर द टॉप एक्शन है, लेकिन ओवरऑल देखा तो एक्शन भी अच्छे है। डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक सुब्बाराज अपना वो जो एक स्टेटस बनाया था, उन्होंने स्टेटस धीरे 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 गिरता जा रहा है। लास्ट मूवी जगह में तंदीराम भी कुछ इतनी खास नहीं, और ये पर्टिकुलर मूवी में भी स्टोरी वाइज में आपको कुछ भी यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती, और ऊपर से मूवी की लेंथ, जो कि अगेन मैं बोलूंगा साउथ वालों को थोड़ा लेंथ पे ध्यान देना चाहिए, 2 आवर 47 मिनट बहुत ज्यादा होता है, और इस तरीके की प्रेडिक्टेबल मूवी के लिए तो मतलब हद से ज्यादा है यार। इतने ज्यादा साउंड्स है नहीं, लेकिन जितने भी सुनने के लिए ठीक ठाक ही लगते हैं। ओवरऑल ये मूवी अगर आप लोगों को देखना, तो बस इसी वजह से देखो कि आप लोग विक्रम सर के फैन हो, मगर अगर कुछ हटके अलग देखने का सोच रहे हो, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10, और पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ नहीं है, हाँ बट वो वॉयलेंस है, मगर वॉयलेंस भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है जितना नॉर्मल मूवीज में होता है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक जर्मन मूवी, जिसका नाम है द प्रिविलेज। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। मूवी के ओवरऑल लेंथ 1 आवर 47 मिनट के, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, जर्मन इंडस्ट्री भी ऐसी हो गई कि भाई डार्क शो वर्ल्ड में फेमस हो गया, तो चलो डार्क वाली थीम पे कोई मूवी बनाएंगे। हालांकि इसमें टाइम ट्रेवल नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक ढांचा, सिनेमेटोग्राफी हो या बीजीएम, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग डार्क को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा अलग है। क्या इस मूवी का जो जॉनर है वो अपने आप में एक बोलते ना एक नया अजूबा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ने सब कुछ डालने की कोशिश की। अब इसका जॉनर सुनो, ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो सकती है, ये एक एडल्ट कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, ये एक टीन ड्रामा भी हो सकती है, ये एक टीन सेक्सुअल ड्रामा भी हो सकता है। मतलब इस मूवी को आप लोग जो चाहे बोल सकते हो। कहानी बताता हूँ कि फिन नाम का एक बच्चा है, जो कि एक रिच फैमिली में रहता है। अब टीन की जो बड़ी बहन है, पता नहीं एक दिन सडनली इसको क्या हो जाता है कि वो अपने घर से भाग जाती है,
फिन को लेकर, और रास्ते में इसकी हो जाती है डेथ, यानी कि इसकी बड़ी बहन की, और फिन उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता है। खैर अब इस चीज को कई साल हो चुके हैं, फिन अब हाई स्कूल में है, फिन दिमाग का इलाज कर, मतलब वो साइना के उसके दिमाग में वो एक ट्रॉमा रह गया उस इंसिडेंट का कि उसकी बहन सुसाइड कैसे कर ली, मतलब उस रात उसके साथ हुआ क्या था। खैर अब इसके बाद फिन की लाइफ में क्या कुछ होता है, सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये नॉनसेंस जर्मन साइकोलॉजिकल गोस्ट हॉरर मूवी। मूवी में बताई गई बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका कोई सेंस नहीं बनता, डायरेक्टर क्यों बता रहा था बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक ऐसा फंगस देखने को मिला जो डेड बॉडी पे पनपता है, और वो फंगस खाने के बाद मतलब सामने वाला इंसान के अंदर वो भूत आ जाता है। फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इस मूवी में एडल्ट सीन शुरू हो जाते हैं, फिर वापस एडल्ट लोगों की कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर हमें थ्रीसम देखने को मिलता है, दो लड़की एक लड़कों के बीच में, फिर वापस से वो झाड़फूँक झाड़फूँक क्या क्या चालू हो जाता है। मतलब डायरेक्टर राइटर इसके पूरी टीम वालों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग ये मूवी में क्या बताना चाह रहे ऑडियंस को, और ऑडियंस इस मूवी में बताया गया घोस्ट से डरे या इस मूवी की कहानी से डरे या इस मूवी को देखकर खुद आईने में जब अपने आप को देखेंगे तो खुद से डर जाए कि भाई हमने देख के क्या लिया, ये खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब यार क्या था, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ के 1 आवर 47 मिनट वेस्ट नहीं करना है, दिमाग का बोझ नहीं बनाना है, तो इस मूवी से जितना हो सके दूर रहो। सीरियसली नथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर मूवी, और जहां पर ये मूवी खत्म हुई ऐसा लगता है कि यार भाई इसका लोग दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज द प्रिविलेज का सेकेंड पार्ट नहीं बनाना, सीरियसली मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 10। 3 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्टर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की है परफॉर्मेंस करने की, स्पेशली वो जो एक्टर जिसने यहाँ पर फिन का रोल प्ले किया है, बस अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस मूवी में। अब मैं पेरेंटल गाइडेंस से बोलूंगा मूवी में अश्लील सीन्स है तो मत देखना किसी के भी साथ में, अकेले देखना तो देखो अगर इतनी हिम्मत है तो, और आंखों का कैंसर करना है तो भाई जरूर देखना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।